सीएम योगी के लफजात वाले बयान पर बोले हनान मौला, मारने की धमकी देना गलत, अपराध को कानून से निपटा जाए। जी हाँ दोस्तों, लफजात पर कानून बनाने को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद और CPIM हन्ना मौला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को निंदा की है। उन्होंने कथित रूप से सीएम योगी द्वारा की गई जान से मारने की धमकी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाकर हमारी बहनों की इज्जत के साथ खेलते हैं, वो सुधर जाए, नहीं तो उनकी राम नाम सत्य यात्रा शुरू होगी। हन्नान मौला ने कहा, अपराधों को कानून से निपटारा जाना चाहिए, मारने की धमकी देना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सबसे अधिक मानवीय भावना खिलाफ है। आप ऐसे अपराध के लिए लोगों की जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते, साथ ही साथ लोगों की इस काम के लिए लोगों की जान नहीं ले सकते। हन्नान मौला ने कहा, राम नाम सत्य का अर्थ मृत्यु है। यदि कोई मुख्यमंत्री लोगों को मारने की धमकी देता है तो कुछ केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि गोली मारो गोली मारो। जनवरी में अनुराग ठाकुर के भाषण का जिक्र करते हुए तो लोग कहा जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को रोकने के लिए सख्ती से काम करेंगे, इसके लिए एक प्रभावी कानून बनाएंगे। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाकर हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो सजा जाए, नहीं तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने योगी के बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। हरियाणा के मंत्री का बयान ऐसे समय में आया जब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के एक व्यक्ति ने 21 वर्षीय निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, बल्लभगढ़ के इस लव जिहाद के मामले में आपकी क्या राय है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ न्यूज़ के लिए कमेंट से करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।